वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत को डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड भी नहीं रोक पाई। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेले गए इस कम स्कोर वाले मैच में भी भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में 6 में से 6 मैच जीतकर 12 अंक हासिल किए और पॉइंट्स टेबल के टॉप पर भी पहुंच गई है। भारत को मिली जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे पहले अपनी टीम में मौजूद मैच विनर खिलाड़ियों की बात की। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मैच था जिसमें हमें हमारी टीम के कई करेक्टर्स देखने को मिले। हमारे सभी सीनियर प्लेयर्स ने सही टाइम पर अपने हाथ खड़े किए और टीम को जीत भी दिलाई। इसके बाद वर्ल्ड कप में पहली बार बल्लेबाजी करने के बारे में कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि इस टूर्नामेंट में पहले 5 मैचों में हमने बाद में बल्लेबाजी की थी। यहाँ हमें पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, हमें सामने से कड़ी चुनौती भी मिली। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। हम ऐसे पिच पर एक अच्छा टोटल बनाना चाहते थे जहाँ बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो। हम एक अच्छे टोटल तक पहुँचना चाहते थे जिसके बदौलत हम खेल सके। रोहित ने इसके बाद टीम की बल्लेबाजी और खराब शॉट सिलेक्शन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, हमने आज अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। 3 विकेट खोना एक अच्छी परिस्थिति नहीं होती। जब आप ऐसी किसी परिस्थिति में होते हो तो आपको एक लंबी पार्टनरशिप सोचनी होती है, जो हमने की। लेकिन कुछ लड़कों ने अपना विकेट खुद ही गंवा दिया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम सभी सिर्फ सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहे हैं। जो गेंद मेरे एरिया में आई उसे मैं बाहर भेजना चाहता था। इसी तरह से दबाव वापस गेंदबाजों और विपक्ष टीम पर डाला जाता है, लेकिन मुझे लगा था कि हमने 30 रन कम बनाए हैं। आखिर में रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की गेंदबाजी पर सबसे अच्छा गेंदबाजी अटैक बोलने पर कहा, मुझे लगता है हमारे पास अच्छा बैलेंस है, कुछ अच्छे स्पिनर्स हैं और सीमर्स के पास ऐसी परिस्थितियों का बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव है। टीम में ठीक ठाक विकल्प और भी मौजूद है। ये काफी महत्वपूर्ण है कि बल्लेबाज बोर्ड पर रन लगाए और उन्हें गेंदबाजी करने का पूरा मौका दे ताकि वो अपना जादू भी दिखा सके। आपका क्या कहना है रोहित शर्मा की इस विनिंग स्टेटमेंट को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।